हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आजकल आ गया है फूलों का सीज़न, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अलग सी रेसिपी फूलों की इससे रिलेटेड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब का शरबत, जिसके लिए हमने ताज़ी ताज़ी कलियां जो हैं गुलाब की ले ली हैं। तो गुलाब की कलियों को कुछ इस तरह से लेना है कि जो बीच में जो भी है पार्ट्स वो ना निकले, सिर्फ पेटल इसकी निकले। और अगर गुलाब पूरे टूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी पेटल अलग कर सकते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी ताज़ी ताज़ी जो गुलाब हैं वो मैंने ले ली हैं। और इसके बाद इसे वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से एक पतीले में ले लिया है और इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है। इसको थोड़ी देर आपने गैस पे जो है वो पका देना है और इसका जो कलर है वो सारा निकल चुका है। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने छान लिया है, अभी भी ये गर्म है। तो अगर ये ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए आपने रखना है। अच्छे से जो भी रस इसका था वो मैंने निकाल लिया है और अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं गुलाब के जो शरबत का कलर है वो कितना अच्छा आया हुआ है। साथ ही आपने ले लेना है एक पैन और उसमें मैंने आधा गिलास पानी ऐड कर लिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। इसी के साथ हमने इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा शक्कर और हमने बना लेनी है शक्कर की चाशनी, जैसे हम चाशनी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे पकाना है। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच शक्कर ले ली है और इसे थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक चुका है। आपने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि इसकी तार ना बन जाए, जैसे चाशनी में तार बनती है उसी टाइप से इसे पकाना है। और आप इसे इस तरह से भी टच करके देख सकते हैं कि तार अगर आप बन रही है तो ये शरबत का जो चाशनी है वो भी बनकर तैयार है। इसके बाद जो हमने अपने गुलाब में से अच्छे से पानी अलग कर लिया था वो मिक्स कर लेना है चाशनी में। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने लोटे में ले लिया है। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ आइस क्यूब मिला सकते हैं। हमारा शरबत बनकर तैयार है और आप इसे सर्व कर सकते हैं, ये एकदम नेचुरल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।